मेरा प्लान था जाने का दो दरिया और वहाँ पर एक पीसफुल इन्वायरमेंट इन्जॉय करने का सीन था। जब मैं बाहर गया तो मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि मेरी गाड़ी मेरा बड़ा भाई लेकर गया हुआ है। कभी कभी मैं अपनी बोरियत जो ख़त्म करता हूँ ना म्यूज़िक बजाने से करता हूँ। इवन दो मैं कोई इतना खास बजाना नहीं आता मुझे, आई एम स्टिल लर्निंग, बट इट्स लाइक कि मुझे अच्छा लगता है बजा के। यार इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं। मैंने कुछ सर्टन पेट्स पाले हुए, सर्टन तो नहीं वैसे, दो बिल्लियाँ पाली हुई है एंड आई टीज देम अ लॉट और इतना तंग करता हूँ कि मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। शेरू 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 कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? यू गोना प्ले विद द ट्रैप हॉट? ट्रैप हॉट के साथ खेलने का बहुत शौक है हाँ शेरू। ओके ये आज बहुत लेजी हुआ मैं, सो ही कांट प्ले। व्हाई शेरू व्हाई 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 शेरू व्हाई व्हाई आई शुड रनिंग अवे फ्रॉम मी। लीज काम होता है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता लेकिन एंड में अगर मजबूरी होती है तो मैं वो भी कर लेता हूँ। क्या है, मैं बाहर जाता हूँ, मैं घर वालों से पूछता हूँ कि आप लोग को बाहर से कुछ मंगाना है या नहीं। इतना फारिग हो जाता हूँ, इतना बोर हो जाता हूँ कि मैं ये काम करने के लिए भी खुद बाहर जाके बोलता हूँ कि आपको कुछ मंगाना है मैं ले आता हूँ। तो मैं कैमरे से स्विच करके फ़ोन पे आ गया हूँ, मजाक में पूछा अम्मा से कि आपको कुछ मंगाना है। सो शी वॉज लिटरली लाइक शुक्र आप आ गए, शुक्र आपके अंदर अकल आई, शुक्र आपको घर के काम करने के शौक हुए। तो मैं फंस गया हूँ। काम ये मिला है कि गाड़ी है सिटी, उसका साइलेंसर का प्रॉब्लम है, साइलेंसर लिटरली पूरा लटक गया है, कहने के पास जाना है और उसका साइलेंसर सही कराना है। ओ भाई ये देखिए, ये बारिश जो होती है ना तो फिर गाड़ियों को तो ऐसा धोती है कि कुछ नज़र ही नहीं आता आपको गाड़ी चलाता। लोग कहते हैं कि नेवर ड्राइव एंड टॉक एट द सेम टाइम, बट दे डिडंट से नेवर ड्राइव एंड ब्लॉक। बस दो मिनट के रास्ते के ऊपर मैं मैकेनिक के पास पहुँच रहा हूँ और होपफुली वो ऐसे रेट्स बताएगा जिसमें मुनासिब पैसे हो और गाड़ी भी सही तरह अच्छी हो जाए। तो मैं मैकेनिक के पास गया था पूछने के लिए कि साइलेंसर का काम हो सकता है नहीं हो सकता। सो उसने मुझे बोला कि साइलेंसर वाला अभी आधे घंटे पहले ही गया है, तो आप पहले आ जाते तो आपका काम हो जाता। सो दैट मीन्स कि मैं गाड़ी का काम भी नहीं करा पाया। पहले सुबह मैं अपनी गाड़ी में नहीं जा पाया क्योंकि मेरा बड़ा भाई लेकर गया हुआ था और वो अभी तक लेकर गया हुआ है। एंड नाउ दिस, वैसे बोरियत ख़त्म करने के काफ़ी अच्छे तरीके हैं ये, और इस तरह के और वाकयात होंगे तो बंदा कभी बोर ही नहीं होगा, इफ़ ही इज़ हैविंग अ बैड डे दैट इज़। अभी 2-5 मिनट पहले ही मुझे कॉल आई थी, मेरा दोस्त था स्कूल का, काफ़ी पुराना दोस्त था, बट लास्ट टाइम मैंने उसकी शक्ल याद की हो या देखी हो तो मैंने स्कूल के टाइम में देखी थी। ही इवेंचुअली शिफ्ट टू कैनेडा विद हिज फैमिली, हर्ड के वो अभी पाकिस्तान आया हुआ है एंड उसी की कॉल आई थी। सो उसने मुझे बोला कि जानी मैं आ गया हूँ पाकिस्तान, आ जाओ। मैं अपनी बाइक निकालूंगा क्योंकि वैसे भी हम लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ी करेंगे बाइक के ऊपर। सो वी गोना राइड दिस, और मुझे अलग से खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों, जब मुझे ये राइड करने का मौका मिलता है। इवन दो इट्स नॉट अ सुपर सुपर हैवी बाइक, बट इट्स मोर देन जस्ट अ नॉर्मल हैवी बाइक, तो इतना तो कह सकते हैं ना।
ये भाई है मेरे जो शक्ल से लग नहीं रहे कनाडा से आए, but I am from Canada. पुराने स्कूल के दोस्त niggas, niggas like you. बस इनको एक दो लाइन आती है, बस यही दोहराते रहते हैं, इसके अलावा कुछ आता नहीं है. आई नो हाउ टू पुश अप. करो ना, ये पुश अप था. अच्छा गालियां डालेगा? नहीं, फिर क्या फायदा. ये मुहित भाई, हम लोग ने देखा होगा इनको पहले भी. मुहित भाई इनके कजन है लकली, और मुहित भाई अपना मुंह छुपाते रहते हैं. कजन से लकली अपना मुंह छुपाते रहते हैं. बताए ना पसी भाई, आपको व्हाट यू कैन शो. सास भी कभी बहू. 275 का क्या मीनिंग है? समय प्लेट का क्या मीनिंग है? भाई ये मामा डैडी दो हो गए, हम पांच बहन भाई और मामा डैडी सात हो गए. हम पांच बहन भाई कितने हो गए? फाइव. आ जाए, लेट मी शो यू समथिंग यार. आइए आइए. क्या कर रहे हो? बदले में हियर यू गो. 275 275 टर्बो टर्बो अबे टर्बो माय पर्शियन पर्शियन क्रॉस. ये पर्शियन है? कैनेडियन एंड पर्शियन क्रॉस. अच्छा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अभी ट्रेन नहीं हुई है. ये हमारा तोता, टाइम लगेगा. बता फिर देखो, इसका नाम मैंने रखा जे आई बी डी जिबी. जे आई बी डी जिबी क्या था भाई? थोड़े दूर के छोटे भाई, दूर के छोटे. ब्राउजर दिखाइए ना अपना, खड़े होके दिखाइए ब्राउजर. नैरो बॉटम में हमने पहना है, इटालियन शकल देख अपनी तू ब्लॉग करेगा. ये भी डालियो यहाँ से. घर दिखाए, घर दिखाओ यार. आप हमें टोरंटो वाला घर दिखाए ना. टोरंटो, टोरंटो नहीं, इट्स टोरंटो ब्रदर, इट्स टोरंटो. प्लीज टोरंटो नहीं बोलो. अच्छा अच्छा, कनाडा को क्या बोलते हैं आप लोग? कनाडा तो नहीं बोलते कहीं. कनाडा और टोरंटो. बताए अपने बारे में, कनाडा के अंदर आपको कैसा लगता है और यहाँ पर कैसा लगता है? कनाडा इज माय सेकंड होम. अच्छा, दिस इज माय फर्स्ट होम. अच्छा, तो फिर वहाँ भाग क्यों गए? Because of some safety reasons. Safety reasons? इस चक्कर के ऊपर I was blacklisted here. मेरे पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई थी. 12 से अभी रब्ता हुआ है. जिब्रान सफदर के जो व्लॉग्स होते हैं ना, इट्स ऑल बीएस, इट्स ऑल बुलशिट. सबसे बकवास व्लॉग्स होते हैं, प्लीज मत देखा करो. गाने बहुत बड़े, सिंगर है बहुत बड़े. सुनाओ. सिंगिंग करता होगा. कैसा हारा है दोस्तों. इसे लगता है कनाडा से है. शक्ल देख कैसी हो गई फौर. भाई ये चॉकलेट्स आखिरी है, असली है नकली है? तैयारी कहाँ की हो रही है भाई? क्या बताऊँ, वो जाने खट्टा खट्टा. यू मीन ये इंसान का बच्चा लग रहा है? शाहरुख खान. शाहरुख खान तो वैसे कभी जिंदगी में ही लगेगा, लेकिन इंसान का बच्चा लग रहा है ये. माय लकॉस्ट. तो उसको अपनी फैमिली के साथ जाना है, सो इस वजह से मुझे लीव करना पड़ रहा है यहाँ से. आखिरी पीस है, थोड़ा सैड सा पीस है जो मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है. सो आप, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगे.